अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं बेटे सब लोग? ठीक है ठीक है। अच्छी बात, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है जकात का, ठीक है। उसको रीडिंग करेंगे और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे। जी अलीन से स्टार्ट करते हैं। अलीन क्वेश्चन नंबर 1 रीड आउट करें और उसका आंसर भी। ज़कात, सवाल नंबर 1, ज़कात का मफ़हूम और इसकी फ़र्ज़ियत बयान करें। ज़कात के लफ्ज़ी मानी, ज़कात के लफ्ज़ी मानी है पाक होना, नशोनुमा पाना और बढ़ना है। ज़कात के इस्तिलाही मानी, शरीयत की इस्तिलाह में ज़कात से मुराद वो माली इबादत है जो हर साहिब निज़ाम मुसलमान पर अपने माल से में से शरीयत के मुकर्रर की हुई मकदार के मुताबिक फर्ज है, और वो इसे इन लोगों के लिए निकाले जो ज़कात में मुस्तहिक हैं। ज़कात अदा करने से माल में बरकत होती है और आखिरत में जो सवाब मिलता है। ज़कात की अदायगी से माल पाक हो जाता है, इसीलिए इस इबादत को ज़कात यानी पाक करने और बढ़ाने वाला अमल कहते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा अलीन। अच्छा, इसमें ना छोटी छोटी टर्म्स हुई हैं, वो उन टर्म्स की मैं मीनिंग पूछती हूँ सबसे बारी बारी। उस्मान मुझे ये बताइए, साहिबे निसाब मुसलमान का क्या मतलब है, या साहिबे निसाब का क्या मतलब है? साहिबे निसाब आई थिंक उस शख्स को कहते हैं जिसके पास इतना माल हो कि वो आगे भी खर्च सके, जरूरत से ज्यादा जिसके पास माल हो, साहिबे निसाब। कुछ कुछ आंसर ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली इस टर्म का मतलब ये नहीं है जो आपने बताया। जी जुहेब, आप मुझे बताएं साहिब निसाब का क्या मतलब है? साहिब निसाब का मतलब इसके पास अपनी जरूरत से ज्यादा माल हो। नहीं, जरूरत से ज्यादा तो होगा। जी अलीन बताइए साहिब निसाब का मतलब। टीचर जो दे सकते हैं उसका मतलब, जो दे अदा कर सकते हैं जिनके पास इतना माल हो। कुछ आंसर ठीक है अलीना आपका, साहिब निसाब की, बल्कि लिख लें आप लोग ये ना, पूछ लेते हैं पेपर में ये टर्म आ जाती है। आप लोग जरा पेंसिल कॉपी रखिए साथ में और ये लिख लीजिए, ये टर्म्स ऐसी हैं बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं। साहिब निसाब का मतलब है कि वो शख्स जो मुसलमान भी हो, नंबर 1, और नंबर 2 उसके पास इतना माल हो जिस माल पर अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज की है, ज़कात की मालियत के मुताबिक उसके पास माल हो। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने, यहाँ मिसाल दे रही हूँ, अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज़ की है 7.5 तोले सोने पर या 52.5 तोले चांदी पर। अगर एक आदमी के पास 7.5 तोले सोना नहीं है, लेकिन सोना है 5 तोले है, 4 तोले है, 5.5 तोले है, 6 तोले है, लेकिन 7.5 तोले की बराबर नहीं पहुंची उसकी मालियत, तो वो साहिब निसाब नहीं होगा। अगर जी उसके पास जरूरत से ज़ायद माल है और वो खर्च भी कर सकता है, लेकिन साहिब निसाब एग्जैक्टली उस शख्स को कहते हैं जिसके पास इतनी मालियत की मकदार हो, इतनी मालियत का माल हो जिस पर ज़कात फर्ज हो जाती हो। ये लिख लें इसकी डेफिनेशन बेटा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताइए कि ज़कात के मुस्तहिक से क्या मुराद है? मुस्तहिक किसको कहते हैं? जो जिन पर ज़कात लगती हो। हाँ जी, जो ज़कात के हकदार हैं या जिनके ऊपर ज़कात लगती हो, बिल्कुल ठीक है आंसर इसका। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ज़कात के लफ्जी मायने यहाँ पर अलीना में पढ़ के सुनाए हैं, पाक होना, नशोनुमा पाना और बढ़ना। ये तीनों, क्या तीनों मीनिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं? पाक होने का नशोनुमा पाने से क्या ताल्लुक है? जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए जुहेब आप। नशोनुमा का मुझे जो मतलब नहीं पता। नशोनुमा का मतलब किसको पता है? मेहरुनिसा, नशोनुमा का मतलब बताइए जरा। हाँ जी उस्मान, आप बताएं नशोनुमा का क्या मतलब है? सेहतमंदी, नशोनुमा किसी चीज के, नशोनुमा का मतलब सेहतमंदी नहीं, नशोनुमा का मतलब है ग्रो करना, बढ़ना। पौधा लगाते हैं आप लोग, प्लांटेशन होती है ना,
पहले बीज बोया जाता है, बीज से एक छोटी सी निकलती है, कोंपल सी निकलती है जमीन से बाहर, फिर वो थोड़ी सी बड़ी होती है, एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में, एक खास वक्त के, एक टाइमिंग्स के हिसाब से किसी चीज का ग्रो करना, बढ़ना और उसका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाना, उसको हम कहते हैं नशोनुमा पाना। जैसे एक छोटे बच्चे की मिसाल ले लें आप, छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, फिर अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता उनकी गिजा और खुराक के जरिए उनकी नशोनुमा होती जाती है, और बड़े होते हैं और बड़े होते हैं और बड़े होते हैं, एक खास टाइम पे आके बच्चे मुकम्मल ग्रोथ हो जाती है उनकी। तो किसी चीज का या किसी जानदार चीज का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना और ग्रो करना कि वो अपने एक खास लेवल को पहुंच के बिल्कुल डेवलप हो जाए, उसको कहते हैं नशोनुमा पाना। और पाक होने का मतलब है आप किसी चीज को किसी आलूदगी से, किसी निजासत से, किसी गलत चीज से, किसी अलाइश से उसको प्योर कर दें, उसको फिल्टर आउट कर दें, मतलब उसको पाक कर दें। जैसे हम कहते हैं ना पानी को पाक कर दिया हमने या पानी को फिल्टर कर दिया हमने, तो इस तरह माल को भी फिल्टर किया जाता है। और माल की फिल्ट्रेशन का तरीका क्या बताया अल्लाह ताला ने, वो है ज़कात की अदायगी। आपका माल जब तक फिल्टर नहीं होगा, काबिले इस्तेमाल नहीं होगा, पाक नहीं होगा, जब तक अगर वो एक निसाब पर है और आप उसकी ज़कात की अदायगी नहीं करते तो वो माल पाक नहीं होगा। फिर आप उसको इस्तेमाल करते रहे, उस माल में बरकत भी नहीं होगी और वो पाक भी नहीं होगा। आगे चलते हैं ज़कात की फर्जियत, इसकी रीडिंग करें। मैरून साहब अपना माइक अनम्यूट करें बेटा। यस टीचर। ज़कात की फर्जियत का टॉपिक पढ़िए जरा। ज़कात की फर्जियत के लिए हाँ जी, ज़कात की फर्जियत कुरान करीम में अक्सर मुकामात पर नमाज और ज़कात की फर्जियत का एक साथ जिक्र किया गया है। वाकिमु सलाता और नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो का हुक्म बार बार दोहराया गया है। हिसाब और शरा ज़कात, हिसाब से मुराद माल का वो कम से कम अंदाजा है जो ज़कात के काबिलों काबिले वसूल होने के लिए शरीयत में मुकर्रर है। सोना चांदी पर ज़कात, जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी या उसकी मालियत के बराबर नकदी या सामान तिजारत अपनी जरूरत से जायद हो और उस पर साल गुजर जाए तो उसका एक मिनट रुकिएगा बेटा। हाँ जी, तो उसका 2.5% तो 2.5% बतौर ज़कात देना फर्ज है। बतौर ज़कात ज़री पैदावार पर ज़कात, जमीन की पैदावार थोड़ी हो या बहुत, जो ही फसल तैयार हो जाए ज़कात की अदायगी लाजिम है। नहरी जमीन पर 20वां हिस्सा और बारानी जमीन पर 10वां हिस्सा ज़कात फर्ज है, उसे अशर कहते हैं। अशर कहते हैं इसमें साल का गुजरना शर्त है। शर्त नहीं है इसमें साल का गुजरना शर्त नहीं है। अभी यहाँ रुकिएगा मेहरून साहब। उस्मान आप मुझे बताएं सोना और चांदी पर ज़कात की क्या निसाब मुकर्रर है और क्या शर्त है ज़कात की अदायगी? 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी। 7.5 तोले सोना जो है, 1 तोला सोना कितने ग्राम्स बनता है? मैंने शायद आपको पहले बताया होगा, कितने ग्राम्स के बराबर नहीं याद है आपको? लिख लें 11.66 ग्राम्स 1 तोले के बराबर होता है। 11.66 ग्राम्स 1 तोले के बराबर होता है, 1 तोले के बराबर इंटरनेशनल यूनिट के मुताबिक। 7.5 तोले सोना अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम 7.5 तोले सोने को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 11.66 से। और जरा एक छोटा सा, सब बच्चे जरा काम तो करें, एक मैं आपको एक वो देती हूँ सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन देती हूँ। आपने 7.5 तोले सोने की ही ज़कात निकालनी है। अच्छा,
तोला या एक तोला बराबर है 11.66 ग्राम्स के, ठीक है। आप लोग 7.5 तोले सोने की ऊपर कितनी ज़कात बनती है, हम एक रफली अंदाजा लगा लेते हैं 90,000 है, 10 ग्राम जी, इतनी नहीं है, इतनी नहीं, 87 आया है, 87 है, चलिए 87,000 रख लें, 87,000 के हिसाब से 7.5 तोले सोने की जरा ज़कात तो कैलकुलेट करें सब बच्चे और मुझे बताएं, अलग अलग मैं पूछूंगी कितनी बनती है। जुहेब, उस्मान, अलीम, मेहरुन्निसा, जरा इसकी कैलकुलेशन कीजिए, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। मुझे नहीं पता, क्यों नहीं पता, समझ नहीं आ रही, क्या समझ नहीं आया? मुझे ये समझ नहीं आया किसी कैलकुलेशन कैसे होगी, कैसे होगी, मैंने आपको बताया एक तोले की कीमत, एक तोला है वो 11.66 ग्राम्स के बराबर है, इसको लिखें पहले, लिख लिया, एक तोला 11.66 ग्राम्स के बराबर है। आपने 7.5 तोले सोने के ऊपर ज़कात कैलकुलेट करनी है, अगर एक तोले सोने की कीमत 87,000 हो तो, बहुत आसान है, जरा कैलकुलेशन करके देखिए फिर मैं आपको समझाती हूँ। एक तोले सोने की कीमत आज के रेट में 87,000 हम एक अंदाजन मुकर्रर कर लेते हैं और 11.66 ग्राम्स एक तोले के बराबर है, आप उसको ग्राम्स में भी कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं और तोले में भी कर सकते हैं, दोनों तरह से, जरा कीजिए 2 मिनट दे रही हूँ। सबसे पूछूंगी किसकी क्या आंसर आया, ढाई फीसद का मतलब है 2.5%, ढाई फीसद के हिसाब से निकालनी है आपने, 2.5% के हिसाब से 7.5 तोले सोने के ऊपर ज़कात कैलकुलेट करें, आज की प्राइस है 87,000। हाँ जी, हुई है कैलकुलेशन, जी उस्मान, उस्मान कितनी ज़कात बनती है? कर रहा हूँ अभी मैं, इतना टाइम लगना तो नहीं चाहिए बेटे, 34.98 ग्राम बनती है क्या? ग्राम में नहीं करना बेटे, आपने रुपीस में कन्वर्ट करें ना उसको, 87,000 रुपीस एक तोले सोने की कीमत है आज की डेट में, 7.5 तोले पर आपने ज़कात कैलकुलेट करनी है 2.5% के हिसाब से। इतना मुश्किल काम तो नहीं है बेटा, 26,100 रुपए। अच्छा, 26,100 कैसे बनाए आपने उस्मान, जरा एक्सप्लेन करें। सबसे पहले हमने 87,000 रुपीस लिया, जो एक तोला है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 7.5 से। अच्छा, तो फिर उसको डिवाइड कर लिया उसके 2.5 से, परसेंटेज से। एक मिनट, अच्छा क्या आंसर आया जब 87,000 को 7.5 से मल्टीप्लाई किया आपने? 87,000 को मैंने जब 7.5 से किया तो 87,000 को मैंने जब 7.5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया? 6,05,000 रुपए। मेरे पास जो आंसर आ रहे वो आ रहे 6,52,500, 6552 आ रहे 6555 double 0।
अब उसका 2.5% कैलकुलेट करें। कैसे करेंगे कैलकुलेट? उसके उसको उसके 2.5% से डिवाइड कर दे रहा है। 2.5% से कैसे डिवाइड कर रहे हैं आप? आगे लिख देना है डिवाइडेड बाय 2.5% ऐसे नहीं करें, उसको मल्टीप्लाई करें 2.5 से और डिवाइड करें 100 से। परसेंट का मतलब 100। हाँ जी करें मल्टीप्लाई 2.5। 16,312। जी बिल्कुल ठीक आया है, 16,312 रुपए बनेगी ज़कात। अलीन अब समझ आई है क्या किया हमने? जी यस कर लिया मैंने भी, 16,312 रुपए बना। जी 7.5 तोले पे कितनी ज़कात देनी है? 16,312 और आप देखें ये ज़कात बहुत ज्यादा नहीं है। अगर 6.5 लाख की मालियत, टीचर ये उसके सामने एक रेत का जर्रा है। अगर आप देखें ना, लोगों को बहुत भारी लगती है कि ये ज़कात इतनी ज्यादा हमें देनी पड़ेगी, और अगर आप देखें तो अगर 6.5 लाख की मालियत है आपकी और आपने एक साल के बाद उस पे 16,000 रुपए देने हैं, तो ये बहुत ज्यादा तो नहीं बनती ना ज़कात? ये ज्यादा बनती है? नहीं। हाँ अगर हम देखें ना, तो इस अल्लाह के इस हुक्म में ज़कात किसी पर भी बोझ नहीं है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ज़रई पैदावार पर ज़कात। ज़रई पैदावार क्या होती है जी? अलीन बताइए, ज़रई पैदावार किसे कहते हैं? जो हम कहने की जमीन पे, मतलब जमीन के एरिया पे जो फसलें उगाई जाती है ना, ज़रई पैदावार कहते हैं फसलों को। जो फसलें उगती हैं, जब पकती हैं, जब कटती हैं, कोई भी फसल हो, यहाँ पर किसी फसल की कोई तख़सीस नहीं है। वो गंदम है, चावल है, कपास है, दालें हैं, जो भी फसल लगाई है किसी ने अपनी जमीन पर। और ना अल्लाह ताला ने यहाँ एरिया डिफाइन किया कि कितने एरिया पे फसल लगी है। ये लिखा हुआ है जमीन की पैदावार थोड़ी हो या बहुत, यानी ज्यादा है या कम है, जो ही फसल तैयार हो जाएगी ज़कात की अदायगी लाजिम है। बात समझ आ रही है? जमीन के रकबे की कोई तख़सीस नहीं है और पैदावार की भी कोई तख़सीस नहीं है। जितनी भी पैदावार है उस पर ज़कात की अदायगी लाजिम है। सिर्फ दो शराइत हैं, अगर ज़मीन जो है वो नहरी निज़ाम के तहत उसको सैराब किया जाता है, उसको पानी दिया जाता है। नहरी निज़ाम कहते हैं जिसके ऊपर आपकी कॉस्ट आती है, आप नहरें खुदवाते हैं या ट्यूबवेल्स लगवाते हैं, जिस पर आपकी कॉस्ट आएगी, जिस पर आपका खर्चा होगा, उस पर अल्लाह ताला ने ज़कात की रेशो कम रखी है, 20वां हिस्सा रखा है, 1/20। और बारानी जमीन पर जो जमीनें कुदरती तौर पर जिन इलाकों में बारिशें ज्यादा होती हैं, जो जमीनें बारिशों से सैराब होती हैं, उन जमीनों पर 10वां हिस्सा 1/10 रखा है। जब फसल कटेगी तब उस फसल का 10वां हिस्सा सिर्फ आपने निकालना है, वो बहुत थोड़ा बनता है, ज्यादा नहीं बनता। और ये ज़कात रखी है। ये अल्लाह ताला ने ज़कात का निज़ाम भी बहुत अपनी खास हिकमत से इसलिए रखा है ताकि दौलत या माल जो है वो किसी एक जगह पर इकट्ठा ना हो, और एक जगह पर जब वो इकट्ठा होगा तो माशरे के अंदर बिगाड़ और फसाद पैदा होगा। जो मुस्तहिक लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, वो उनके पास कोई रिसोर्स नहीं होगा, कोई जरिया नहीं होगा कि वो अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। इसलिए अल्लाह ताला ने ये ज़कात का सिस्टम बनाया है। और ये बिल्कुल इस निज़ाम को, इस सिस्टम को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने बॉडी के निज़ाम से। अल्लाह ताला ने ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बनाया है, आपको पता है ना ब्लड सर्कुलेशन के बारे में? आपकी पूरी बॉडी में बारीक से बारीक वेन भी है, जो माइक्रोस्कोप से वेन्स नजर आ रही हैं, वहां भी ब्लड जाता है। अगर ब्लड ना जाए और वहां जाने से रुक जाए, जिस ऑर्गन तक ब्लड की सप्लाई रुकेगी वही ऑर्गन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाएगा, जिसका सिस्टम खराब हो जाएगा। बिल्कुल इस निज़ाम को आप समझ लें कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह है। ये दौलत भी अगर माशरे के तमाम तबकात में तकसीम नहीं होगी और सिर्फ एक ही जगह पर इकट्ठी होती जाएगी, एक ही मरकज पर इकट्ठी होती जाएगी, तो वहां खराबी बढ़ती जाएगी।
तो अल्लाह ताला ने इसको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाया है ज़कात के जरिए, और जिन लोगों जो लोग साहिब निसाब बनते हैं उनके ऊपर भी बोझ नहीं डाला कि उनको ज़कात एक बोझ लगे कि हम अगर हम बिल्कुल खुले जहन के साथ सिर्फ एक निज़ाम राइज कर लें अपने मुल्क में, बाकी तमाम टैक्सेस ख़त्म कर दें, हर टैक्स ख़त्म कर दें और सिर्फ ज़कात का निज़ाम प्रॉपरली मैनेज हो जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ किसी टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी उस मुआशरे को चलाने के लिए। ये अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम है, बहुत काबिल भरोसा, बहुत ट्रस्टवर्दी सिस्टम है। अल्लाह करे कि आप जिंदगी में उस मकाम तक पहुँचें अपनी तालीम हासिल करने के बाद, जब आप ऐसे लोग बन जाएं बड़े होकर, उन ओहदों पर पहुंच जाएं जहां आप इस निज़ाम को राइज कर सकें, और आपके जहन में ये बात हो, आप ये तालीम अगर हासिल कर रहे हैं तो आपके जहन में ये बात हो कि हम बड़े होकर तालीम याफ्ता होकर अल्लाह के निज़ाम को नाफिज करने की कोशिश करेंगे। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, चाहे आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आप किसी सरकारी ओहदे पर फाइज होते हैं अपनी तालीम हासिल करने के बाद, बस अपने जहन में ये बात रखिएगा कि जो निज़ाम अल्लाह ने दिया है वो इंसानों के बनाए हुए निज़ाम से बहुत बहुत बेहतर निज़ाम है। अगर हम सिर्फ उसी निज़ाम को नाफिज कर दें, आपको दुनिया में कोई टैक्स कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात मैं आपको दावे से कहती हूँ, और ये आजमा भी लीजिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, हजरत उमर के दौर में, हजरत अबू बकर के दौर में इतना माल जमा होता था जकात का, जकात का बाकायदा महकमा कायम था, और जकात के जो कैलकुलेट करने वाले जो होते थे लोग, वो अपने एक्सपर्टीज वो रखते थे, अपने सब्जेक्ट में वो माहिर थे, उनको पता था कैसे माल कलेक्ट करना है। वो खुद जाते थे लोगों के पास उनके माल की मालियत का हिसाब और अंदाजा लगाने के लिए, क्योंकि हर बंदा एक्सपर्ट नहीं होता हर सब्जेक्ट में। तो वो मैथमेटिशियंस होते थे, वो बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती थी और वो बाकायदा इस काम में माहिर होते थे, और फिर उनको इंस्ट्रक्शंस होती थी कि लोगों से बहुत उम्दा माल नहीं लेना कि सारा अच्छा अच्छा माल इकट्ठा करके ले आओ। और ज़कात को सिर्फ कैश की सूरत में कलेक्ट नहीं किया जाता था, जिसकी ज़कात जिस मद में आती थी उससे उसी मद में वसूल किया जाता था। अगर तजारती सामान भी वो दे रहा है तो दे सकता है, अगर जानवरों पर ज़कात है, उसका डेयरी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, जो भी है, जो भी उसकी आमदनी का जरिया है, जिस चीज की भी वो तिजारत करता है उससे माल उसी मद में लिया जाता था। तो ये जो ज़कात का निज़ाम है बिल्कुल सॉलिड निज़ाम है, बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है, और मैं अल्लाह करे कि आपको मेरी ये बातें याद रहें, और बड़े होकर आप जिस भी ओहदे पर फाइज होते हैं तो अपने अपने डिपार्टमेंट में अगर इसी निज़ाम को नाफिज और राइज करने की कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा आपको, लोग इतने अमीर हो जाएंगे। जब वो बहाव और फ्लो, अपने केमिस्ट्री के अंदर आप एक टर्म यूज करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, ये पढ़ी है आपने टर्म ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के अलावा भी आप एक बड़े टैंक से जिसमें बहुत ज्यादा रिजर्वायर हो या कोई ऐसी जगह हो, हमेशा चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करती है, और यही फितरत है और यही अल्लाह का निज़ाम है। तो अल्लाह ताला ने दौलत को भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बहाने के लिए, उसके बहाव के लिए ये निज़ाम नाफिस किया है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे आपको ये बात याद रहे और आप बड़े होके कोई किरदार अपना मुआशरे के अंदर अगर इस्लाह का अदा करें तो बड़ी ज़बरदस्त बात हो जाएगी, और आपके जहन में भी ये रहना चाहिए और आपकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये रहना चाहिए कि हमने ज़कात उसी तरह अदा करनी है जैसे हमारे ऊपर नमाज की फर्जियत है। आप खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करेंगे, आपका दिल बहुत गनी रहेगा, आप अपने आप को बड़ा अच्छा, आपकी फीलिंग आएगी कि हाँ हम अल्लाह का हुक्म पूरा करने वाले लोगों में से हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात? तो जमीन की पैदावार, हाँ जमीन की पैदावार का जो हमने पॉइंट पढ़ा है यहाँ पर, उस एतबार से जो ज़कात की अदायगी है उसमें ज़मीन का एरिया मखसूस नहीं है, पैदावार मखसूस नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है कि ज़मीन सैराब किस जरिए से होती है, उस पर उसकी उसको पानी देने के लिए कोई अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट है तो उस पर ज़कात की रेशो अल्लाह ताला ने कम कर दी, और अगर वो कुदरती पानी से सैराब होती है उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रही ज़मींदार की या किसान की, तो उस पर अल्लाह ताला ने थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया, वहाँ उस पर दसवां हिस्सा रख दिया और नहरी जमीन पर बीसवां हिस्सा रख दिया, और उसे उशर कहते हैं, उशर कहते ही दसवें हिस्से को है। और दूसरी इसमें कंडीशन है, इसमें साल का गुजरना शर्त नहीं है, जब भी आपकी फसल तैयार होगी जब भी आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी। गर्ल्स को मेरी बात समझ आई है बेटे? हाँ
علین مہرون صاحبہ جی بیٹے بتائیے اگر کوئی کنفیوژن. ایک چیز پوچھنی تھی. جی بتائیے عثمان. جو میں نے پوچھنا تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ جیسے ایک آدمی کی ایوریج کتنی فصل اگتی ہوگی. ہاں بالکل اندازہ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے نا کہیں سے تو بعض دفعہ ایسے راستوں سے بھی گزرتے تھے جہاں کھجوروں کے باغات آتے تھے, وہ کسی نہ کسی کی ملکیت ہوتے تھے اور اس پہ کھجوریں پکنے کو تیار ہوتی تھیں. تو آپ نا ایک, وہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو ایریے کے حساب سے نا کتنے پیداوار, مطلب کتنے من یا کتنے ٹن جو ہے وہ آپ کی پیداوار آپ کو حاصل ہو رہی ہے. مثال لے لیں گندم کی فصل ہے اور گندم اگی ہوئی ہے وہاں پر اور وہ کسی شخص کی ملکیت ہے, تو اس کو مطلب کام کر کر کے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا تخمینہ اور میری لاگت کتنی آئی ہے اور میں نے جو مجھے فصل تیار ہو کے ملے گی جب گندم کٹے گی تو کتنے وہ اس کا کیا ویٹ ہوگا, اس حساب سے اس کی کیلکولیشن ہو جائے گی. جیسے مثلاً اگر کسی کا باجرہ ہو گئے اور وہ 200 من کا ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس کا اگر اور وہ اس کو وہ دے رہا ہے ریور کے تھرو ایگریکلچر کر رہا ہے, یعنی وہ بارشوں سے نہیں سیراب ہو رہی اس کو وہ کاسٹ دینی لگانی پڑی, تو وہ 1/20 اس کا نکالے گا. 1/20 تو اگر وہ 200 من کا حصہ نکالے 20واں تو وہ 10 من بنتا ہے. تو یہ زیادہ ہے کہ کم ہے؟ یہ بہت کم ہے, جتنے اس کے پاس ہیں اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو بہت کم ہے. اور دیکھیے اللہ کا حکم پورا کرنے کی خوشی کتنی ہے نا, جب وہ حصہ جب غریبوں میں جائے گا ان کی ضروریات پوری ہوں گی اور جس علاقے میں اسلامی حکومت قائم ہے وہ علاقہ بھی ترقی کرے گا نا. ترقی یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے ٹیکنالوجی میں ترقی کر لی, بہت آپ ایڈوانس ہو گئے اور بہت آپ یوز کریں. ہاں ترقی کی وہ ایک قسم ہو سکتی ہے, لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا ترقی ہمیشہ انسانی ترقی سے ترقی ہوتی ہے. اگر لوگ خوشحال ہیں کسی جگہ کے اور لوگ مطمئن ہیں اور لوگ سیر ہیں اور رعایا اور عوام کو آپ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں, اور وہ فیسلٹیز آئیں گی کہاں سے؟ جب آپ کے پاس زکوٰۃ یا بیت المال میں وہ زکوٰۃ کا نظام آپ کا پرفیکٹلی کام کر رہا ہے اور آپ اس میں اکٹھا کر رہے ہیں, تو آپ وہ لوگوں کے اوپر ہی خرچ کریں گے. آپ کو کوئی ایکسٹرا ٹیکس ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لوگ مطمئن ہوں گے, لوگ خوشحال ہوں گے, وہ جگہ, وہ علاقہ, وہ معاشرہ خود بخود ترقی کرے گا. پھر آپ جتنی مرضی ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کر لیں, لیکن بنیادی ترقی اور اصل ترقی لوگوں کی ترقی ہوتی ہے بیٹے, مادی ترقی نہیں ہوتی. مادی ترقی صرف ایک فیکٹر ہوتا ہے ترقی کا, ایک ڈیولپمنٹ کا صرف ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, وہ پوری ترقی نہیں ہوتی بیٹے. انڈرسٹینڈ کریں میری بات کو؟ یس. گرلز مجھے آنسر کریں بیٹے, اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو میں اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دیتی ہوں. علین سمجھ آ گئی کہ ہم نے زکات کیسے کیلکولیٹ کی ہے 7.5 تولے سونے پر؟ یس. مہرون صاحب آپ بیٹے مائک کیوں نہیں انمیوٹ کر رہی ہیں؟ جی مہرون صاحب سمجھ آئیے؟ ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. جانوروں پر زکات, ذرا ریڈنگ کریں زہیب اس کی. جانوروں پر زکات, مویشیوں اور جانوروں پر بھی زکات ہے. بھیڑ بکریوں 40 پر ایک بکری زکات. ایک منٹ, بھینسوں اور کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ بھیڑ بکریوں 40 پر ایک زکات, یعنی 40 بھیڑ یا 40 بکریاں تو ان میں سے ایک پہ زکات ہے. ہاں جی, زہیب آپ بھی بتائیے بیٹا. دیکھیے یہ زیادہ ہے زکات یا کم ہے؟ کم ہے, یہ بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو زکات رکھی ہے وہ اتنی مناسب رکھی ہے, کسی کو بھی بوجھ نہیں. 40 بکریوں میں سے اگر وہ ایک بکری دے بھی دیتا ہے زکات کے طور پر, زکات کے مال میں, تو وہ اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے, وہ باقی 39 یا 39 بڑے آرام سے استعمال کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کریں گے ہر سال. جتنا اضافہ, جتنا وہ اللہ کی راہ میں دیتا جائے گا اتنا ہی اس کے مال میں برکت ہوتی جائے گی اور اتنا ہی وہ مال بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے, آگے ریڈ آؤٹ کیجیے.
भैंसों और गायों पर एक गाय या भैंस का बच्चा जो कम से कम एक साल का हो और 5 ऊंटों पर एक बकरी ज़कात है। ठीक है, जिन चीजों पर पढ़ी जिन चीजों पर ज़कात नहीं है, घरेलू इस्तेमाल की अशिया मसलन कपड़े, फर्नीचर, सवारी के जानवर, साइकिल, मोटरसाइकिल, औजार, हथियार, जाती कुतुब खाना और रहन शुदा जायदाद पर ज़कात फर्ज नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड हो रहा है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। पहले आपने बताया कि भेड़ बकरियां अगर 40 हों तो उस पर सिर्फ एक बकरी ज़कात है। फिर आपने बताया भैंसों और गायों पर, गाय या भैंस का बच्चा जो कम से कम एक साल का हो और 5 ऊंटों पर एक बकरी ज़कात है। कितनी भैंसों पे एक बच्चा? 40 ही। 40 भैंसों पे एक बच्चा और 5 ऊंटों पर एक बकरी। ठीक है, 5 एक ऊंट की क्या कीमत थी बकरीद के मौके पर बताएं बेटे? पता नहीं, होगी 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख। कुर्बानी की है आप लोगों ने इस साल? हमने तो बकरा लिया था ना, हमने बकरा लिया था, वो भी गांव में। वो कितने का लिया था आपने बकरा? जो वो 25 का था। अच्छा, आप समझ लें एक रफ एस्टिमेट हम 25,000 ही रख लेते हैं। और 5 ऊंटों की प्राइस अगर एक ऊंट जो है वो 1.5 लाख का भी है तो 5 ऊंटों की कीमत कितनी बनेगी? रफ बता रही हूँ, ज्यादा प्राइस भी हो सकती है एक ऊंट की। यस, कितने बनेंगे 5 ऊंट, कितने के बनेंगे? 1.5 लाख के 5 ऊंट बनेंगे 7.5। 7.5 लाख की मालियत पे आपने कितनी ज़कात देनी है? 25,000। ये ज्यादा है कि कम है? बहुत कम है। बहुत कम है, तो अल्लाह ताला ने आसानी रखी है ना। और जिन चीजों पर ज़कात नहीं है वो क्या है? कपड़े आपके जाती इस्तेमाल के, फर्नीचर आपका जो आप इस्तेमाल करते हैं, सवारी के जानवर, उस जमाने में जानवर घोड़े खच्चर वगैरह होते थे, आज सवारी के तौर पर गाड़ी वगैरह, गाड़ी, अगर आपके पास जाती सवारी है चाहे वो महंगी भी है उस पर कोई ज़कात नहीं है। साइकिल, मोटरसाइकिल, औजार, हथियार, जो आप टूल्स यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी। मैंने एक चीज पूछनी थी। जी पूछिए। कैब गाड़ी में ये हो सकता है कि अगर हमने कोई एक एक्स्ट्रा गाड़ी अगर किसी को उबर पे चलाने के लिए दी हो उस पे ज़कात है? ज़कात है, उसकी आमदनी पे ज़कात है। आमदनी पे वो आपकी एक बिजनेस हो गया ना। जाती कुतुब खाना यानी अगर आपके पास किताबों का एक जखीरा मौजूद है और अपने अपने पर्सनल लाइब्रेरी बनाई हुई है उस पर कोई ज़कात नहीं। और रहन शुदा जायदाद, रहन शुदा का क्या मतलब होता है? जिधर कोई रहता हो। नहीं अलीन, रहन शुदा का क्या मतलब है बेटा? जो किसी के इस्तेमाल में हो। नहीं बेटे, मतलब इस्तेमाल करा जाती है। ना ना, कौन बताएगा रहन शुदा का क्या मतलब होता है? गिरवी का लफ्ज सुना आपने? गिरवी का, यस, गिरवी सुना हमने। गिरवी क्या चीज होती है? गिरवी रखना कोई चीज, मैंने अक्सर सुना लोग घर गिरवियां रखवाते हैं। हाँ, किसी के पास अगर कोई एक्स्ट्रा घर है, उसकी प्रॉपर्टी है किसी भी तरह की और वो उसने गिरवी रखवाई है। रहन का मतलब होता है गिरवी रखवाना और गिरवी का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को देकर उसके अगेंस्ट लोन ले लें, जिसको इंग्लिश में हम प्लेज या मॉर्गेज भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने 10 लाख रुपए लेके किसी को अपने घर में रहने दिया आपने, लेकिन जब वो घर छोड़ेगा तो आपको उसके 10 लाख देने पड़ेंगे। हाँ जी, अगर आपने वो प्रॉपर्टी वापस करनी लेनी है अपनी तो आपको उसको रीपे करना पड़ेगा वो लोन। आपको कर्जे की जरूरत थी, इसकी इजाजत है हमारे दीन में ना, रहन रखना या गिरवी रखने की इजाजत है। सिर्फ घर ही नहीं, कोई और चीज भी गिरवी रखी जा सकती है, लेकिन यहाँ चूंकि ज़कात के हवाले से बात हो रही तो जो जायदाद या जो आपके पास कोई कोई दुकान थी आपने वो गिरवी रख दी, आपके पास कोई एक्स्ट्रा घर था वो आपने, आपको जरूरत थी पैसे की, कैश की जरूरत थी, आपने किसी को वो रहन रखवा दिया और आपने कहा कि मैं इतने अरसे बाद तुम्हारा ये कर्ज वापस करके अपने वो वापस ले लूंगा, अपना घर वापस ले लूंगा। आपने वो घर उसके नाम नहीं करना, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है जिसमें वो ये लिखा हुआ होगा कि ये चीज गिरवी रखी गई है या रहन रखी गई है, उस पर भी ज़कात फर्ज नहीं है। ठीक है,
हाँ जी, आज के टॉपिक में से किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो कर लें बेटा। जी बेटे, समझ आ गया सबको? यस अच्छी तरह समझ आ गया। Yes. और मेरा ख्याल है कि आप उस्मान ये ना करें, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीजों का जरूर ख्याल रखेंगे। जब आप बड़े होंगे और अमली जिंदगी में आएंगे तो अल्लाह ताला के इन अहकामात को जरूर याद रखेंगे, मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से। इंशाल्लाह बोलिए। इंशाल्लाह सब बोलिए। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक रहता है, लेकिन वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और वो है ज़कात की अहमियत। बल्कि दो टॉपिक रहेंगे, एक ज़कात की अहमियत का और एक ज़कात के मसारिफ का। दोनों टॉपिक्स इंशाल्लाह हम थर्सडे वाले लेसन में कवर करेंगे। ठीक है जी। गर्ल्स, आप लोगों ने पूछना है तो बताइए बेटा। अलीन बेटे, अगर कुछ नहीं समझ आया फ्रेंकली पूछ लें बेटे। नो टीचर, सब कुछ समझ आ गई है। ज़कात कैलकुलेट भी करनी आ गई है। कैसे की थी हमने कैलकुलेट? जब भी, अच्छा एक बात ये याद रखिएगा कि आप के पास अगर गोल्ड कई साल पुराना भी रखा हुआ है, लेकिन आप हर साल उसको रिवाइज करेंगे उसकी करंट प्राइस के मुताबिक, जो उस साल की कीमत होगी ना, जो उस साल की आपकी वैल्यू होगी गोल्ड की, आप या गोल्ड या सिल्वर जो भी आपके पास है या जो भी चीज है, ज़कात हमेशा हर साल रिवाइज होती है और करंट वैल्यू के मुताबिक उसको एस्टिमेट किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। ये बात समझ लिए अपने जहन में? ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। एक चीज मैंने पूछ ली थी जी, पूछिए बेटा। अभी अभी दिमाग में आई है। तो मैंने ये पूछना था कि जैसे कोई मजदूर है, अगर उसके पास दो खोते हैं तो उस पे ज़कात है खोते पे उसके? वो सवारी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है या कारोबार या तिजारत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? वो अपने सब्जी वगैरह बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है खोता, तो वो उसके उस सवारी पे ज़कात नहीं है बेटा, उसकी कमाई पे ज़कात है। उसकी कमाई पे, हाँ, जो वो बेच रहा है ना, जो उसकी आमदनी है, अगर वो निसाब की शरह तक पहुंच गई है आमदनी, तो फिर उस पर ज़कात है।